हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जान गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं किसकी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके SSC CHSL TI2 आपके 2018 के रिजल्ट एंड कट ऑफ को देखने वाले हैं। बट डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो के बाजू में आपको दिख रहा होगा क्या एक बेल आइकन, उसको भी दबा दें, प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और हाँ जी फ्रेंड्स, आपको वीडियो आती है पसंद तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं आखिरकार आपका कट ऑफ क्या रह सकता है एंड आप लोगों का रिजल्ट कितने टाइम आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, आप लोग जो कमेंट्स करते हैं उसके रिप्लाई मैं दे नहीं पाता, इसके लिए सॉरी फैंस। आप लोगों ने अधिकतर कमेंट्स में यही पूछा है कि सर आखिरकार कट ऑफ किया जा सकता है। अब तो कट ऑफ क्या, आज आपका रिजल्ट आएगा तो आप लोग आंख से खुद देख लेना, बट फिर भी आपको एक संभावित बता दूंगा। एंड इसके साथ साथ आप लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा यही आ रही थी कि सर रिजल्ट कब आएगा कब आएगा, क्योंकि आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि आपका रिजल्ट आज ही आना है। जी हाँ दोस्तों, टाइम कुछ फिक्स नहीं है कितने टाइम आ जाए, बट आपका जो रिजल्ट है वो आज ही आना है। ओके, तो चलिए आप देख लेते हैं आप लोगों का जो कट ऑफ क्या जाएगा। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाता, इसके लिए सो सॉरी। चलिए बढ़ते हैं आगे। और कुछ लोगों के कमेंट्स मेरे को देखने को मिलते हैं कि सर आखिरकार टाइपिंग के लिए कितना टाइम मिलता है, आगे की प्रोसेस क्या है। तो ये सब दोस्तों हम बाद में देख लेंगे, इसके ऊपर एक और वीडियो में बनाने वाला हूँ, बट अभी हम देख लेते हैं आप लोगों का जो कट ऑफ आखिरकार किया जा सकता है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आगे हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आपके क्या कट ऑफ की, आखिर TI2 के बाद आपका ज्वाइनिंग के लिए कितना कट ऑफ रहना चाहिए, कितने मार्क्स रहने चाहिए कि आप सेव हैं, आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले आपके UR कैटेगरी की। तो डियर फ्रेंड्स आपको बता दें, यदि आप UR से बिलोंग करते हैं और आपके SSC CHSL TI2 के बाद ज्वाइनिंग के लिए मार्क्स बनेंगे कितने, जी हाँ दोस्तों, यदि आपके मार्क्स होंगे करीबन समथिंग समथिंग 195 से लेकर यहाँ पर आपके 200 के बीच, जी हाँ दोस्तों, यदि आपका इतना स्कोर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये आपके ज्वाइनिंग का कट ऑफ है, इससे ज्यादा आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। किसका है? UR कैटेगरी का, 195 से लेकर 200 के बीच। ओके, तो फ्रेंड्स ये तो आपके UR का। अब हम चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं किसका, आपके OBC का, SC का, ST का, एक्स सर्विसमैन का। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं कि सर आखिरकार OBC का कितना जाने वाला है फाइनल ज्वाइनिंग के लिए, आखिरकार कितने मार्क्स होना अनिवार्य है, कितना जा सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे बहुत ज्यादा, बट आपको तो आज रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, बट आपको एक अनुमान के मुताबिक बता देता हूं कि आखिरकार इतना स्कोर आपका सेव रह सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके SSC CHSL 2018 TI2 एग्जाम में मार्क्स बने हैं, जी हाँ दोस्तों, आपके फाइनल तक जाने के लिए आपको मार्क्स की आवश्यकता रही करीबन यहाँ पर 190 से लेकर, जी हाँ दोस्तों, 195 के समथिंग समथिंग, ऑलमोस्ट इतना स्कोर होना अनिवार्य है, आप फाइनल ज्वाइनिंग तक पहुंच जाएंगे। ओके, 190 से लेकर 195 के बीच, यदि आपका 190 से 195 के बीच मार्क्स आ रहा है तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपका सिलेक्शन श्योर है। ओके, इतने वट होना चाहिए। तो ये तो हुआ किसका, जी हाँ दोस्तों, ये हो गया आपके OBC का। अभी हमने डिस्कस किया था UR का, OBC का हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं आपके SC ST एंड एक्स सर्विसमैन का। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं किसकी, जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, यदि आपके SSC CHSL 2018 में TI2 के बाद फाइनल ज्वाइनिंग के लिए मार्क्स हो रहे हैं कितने, जी हाँ दोस्तों, यदि आपका स्कोर जाता है करीबन यहाँ पर 166 से लेकर आपके कहाँ तक, जी हाँ दोस्तों, 172 के समथिंग, इतना स्कोर आपका रहने वाला है, इतना तो होना चाहिए।
यदि आपने इतने स्कोर रखते हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन यहाँ पर फाइनल होने वाला है, आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है आपका 166 से लेकर 172 के समथिंग फाइनल ज्वाइनिंग के लिए बता रहा हूँ। ओके, ये हो गया किसका, आपके एससी का। अब हम यहाँ पर यूआर डिस्कस कर लिया, ओबीसी कर लिया, एससी कर लिया, चलिए देखते हैं एसटी एंड आपका एक्स सर्विसमैन आखिरकार कितना रह सकता है कट ऑफ। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आपकी कैटेगरी किसकी, एस टी। आप लोगों के भी बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे सर कट ऑफ किया जा सकता है, किया जा सकता है, बट मेरे पास टाइम नहीं मिला इसलिए मैंने बताया नहीं दोस्तों, लेकिन आपका आज रिजल्ट ही आना है तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, यदि आप एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स करीबन टेट टू के बाद फाइनल ज्वाइनिंग के लिए आपके मार्क्स होने चाहिए कितने, जी हाँ दोस्तों आपके मार्क्स होने चाहिए यहाँ पर करीबन आपके 156 से लेकर कहाँ तक आपके दोस्तों 162 के बीच, इतने मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर श्योर है 156 से लेकर 162 के बीच। तो आप टेंशन ना लें, आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिलने वाली है यदि आपके 156 से 162 के बीच मार्क्स बन रहे हैं तो। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जान लिया क्या आपके ईआर, ओबीसी, एससी, एसटी। चलिए हम देख लेते हैं लास्ट, क्या आपका एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ क्या जा सकता है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं सर आखिरकार एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ क्या रह सकता है फाइनल ज्वाइनिंग के लिए आपके एसएससी सीएचएसएल 2018 आफ्टर टीयर टू। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं और आपने एसएससी सीएचएसएल 2018 टीयर टू के बाद आपके मार्क्स बन रहे हैं फाइनल ज्वाइनिंग के लिए कितने, जी हाँ दोस्तों यदि आप मार्क्स हैं आपके करीबन यहाँ पर 150 या 115 से लेकर दोस्तों आपके मार्क्स जा रहे हैं 120 के बीच, तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ पे श्योर है 100% है और आज आपका रिजल्ट आएगा तो आपको और अच्छे से डन हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स बट आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जाना आपके ईआर का, आपके ओबीसी का, एससी का, एसटी का एंड एक्स सर्विसमैन का। फ्रेंड्स अब आप लोगों का डाउट आ रहा है सर क्या टाइपिंग के लिए कितना टाइम मिल सकता है, तो दोस्तों आपके पास आप तो टाइपिंग के लिए 1 माह मिले, 2 माह मिले, 15 दिन मिले, आपको टाइम नहीं देखना, आपको अपना कार्य करना है। कहने का मतलब यदि आप निकल रहे हैं तो दोस्तों आप टाइपिंग में अभी से लग जाएं, आपके पास टाइम ज्यादा नहीं मिलने वाला, भले वो आपको टाइम दें बट आप अपने आप से तैयार रहें। कहने का मतलब अपने आपको बिल्कुल ऐसा रहना तैयार, जब बुलाएं तब आपको तैयार रहना है और आप अपना प्रदर्शन दे सकें, ये नहीं कि डेट फिक्स कर देंगे भाई 10 दिन है 15 दिन है तभी आप तैयारी करोगे, ऐसा करने वाले बिल्कुल डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं 100% बात है। आप अभी से तैयारी करिए, आपको जब बुलाया जाए आप तब तैयार रहें, आपको अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना, बड़े उससे आपका पेपर निकला है, जी हाँ दोस्तों आप यहाँ तक आए हैं तो आप बिल्कुल मूर्खता ना करें कि आप तैयारी उसी टाइम के लिए बैठे जब आपकी डेट जारी हो जाएगी, आप तैयारी अभी से करें, बिल्कुल कंटिन्यू करें, समझिए कि आपको कल या परसों में ही टाइपिंग देने जाना है, आपका टाइपिंग का टेस्ट है, आप ऐसे समझ के तैयारी करें ना कि डेट आएगी तब हम तैयारी करेंगे, ऐसा करेंगे तो आप अपने आप में बेहद बड़ी गलती करने वाले हैं और आपको इसका पछतावा भी होगा, क्योंकि टाइपिंग भी आप समझते हैं इतना इजी नहीं होता कि आप समझें हाँ मैं निकाल लूंगा आराम से निकाल लूंगा, ऐसा नहीं होता, आपको टाइपिंग की तैयारी बिल्कुल अभी से करनी चाहिए, जोरों शोरों से करनी चाहिए और डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे कंप्लीट रखना ताकि आपको किसी भी प्रकार की मिस्टेक्स ना हो। जी हाँ दोस्तों पूरे ऑलमोस्ट जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपने लगाए थे, आपके कॉस्ट, आपका डोमेसियल, आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड और भी आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, आपने यदि कुछ आरक्षण लिया है तो आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करा के रखना है, जब लगे तब आपको देना है। जी हाँ दोस्तों आपको गलती नहीं करना, आपको आप फाइनल सिलेक्शन लेना है तो अपने आप से कोई मिस्टेक्स नहीं करना। तो बस फ्रेंड्स बस यही सब बोलना चाहूंगा और रही बात आपके रिजल्ट की, तो या तो आपको रिजल्ट अभी यूं ही 12 के बाद या फिर आपको नाइट तक देखने को मिल जाएगा, आज आना है तो आप टेंशन न लीजिएगा, रिजल्ट तो आपका आना ही है फिक्स है, बट टाइम की है तो अब टाइम कुछ फिक्स नहीं है, कभी भी आ सकता है।
अभी से लेकर नाइट तक। ओके तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आपसे विदा। ओके टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। और हाँ, एक प्रेडिक्शन है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको माइनस प्लस कुछ मार्क्स दिख सकते हैं, तो आप ऐसी टेंशन ना ले, इतने नहीं बन रहे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके यहाँ पर एक अंदाजा है। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। जय हिंद जय भारत।